राइफल के भय पर 14 साल के बच्ची के साथ उन्होंने दुष्कर्म करने का काम किया। ललिता देवी का उन दिनों उम्र 14 साल था। दबंग आदमी है जहरा अंसारी। आज तक कभी भी इनके घर में जांच करने के लिए कोई थाना पुलिस प्रशासन नहीं आया। जहरा अंसारी है जिसने कुछ दिनों पहले कलेक्टर को गाली दिया, डीसी को गाली दिया। काफी हृदय विदारक, हम कह सकते हैं कि मानवता को शर्मसार करने वाला यह घटना, दुखदायी घटना। एक आदिवासी महिला, एक आदिवासी बच्ची के साथ यह घटना, हम कह सकते हैं कि पूरे मानवता को शर्मसार करता है यह घटना। आज 20 साल से आदिवासी बच्ची ललिता जिनका नाम है, उनके भाई हैं अशोक जी जो हमारे पार्टी से संबंधित हैं, भाजपा के कैडर हैं, कार्यकर्ता हैं। लेकिन देखिए, आदिवासी समाज बहुत भोला भाला इनोसेंट समाज होता है। अपने इज्जत को दांव पर ना लगे, मेरा इज्जत बर्बाद ना हो, इसके लिए थोड़ा हम देखते हैं कि एक लिमिट तक वह सह भी लेता है कष्ट को, पीड़ा को। चाहता है कि मेरा इज्जत सरेआम बाजार में ना जाए। अब इजहार अंसारी जो नक्सली दस्ता चलाता था, ललिता देवी का उन दिनों उम्र 14 साल था और राइफल के भय पर 14 साल के बच्ची के साथ उन्होंने दुष्कर्म करने का काम किया। और तब से लेकर के 2023 तक दुष्कर्म करता रहा, मतलब 20 साल तक उसका यौन शोषण करता रहा। इस बीच में उनके भाई, उनके माता जी आज से करीब 8 साल पहले, इसलिए कि भाई मेरा बेटी बच जाए, इसका इज्जत बच जाए, छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी लड़का से शादी कर दी। लेकिन दबंग आदमी है जहरा अंसारी और वर्तमान में यहाँ का मुखिया भी है और मंत्री जी का काफी क्लोज है। मंत्री जी का बहुत नियर एंड डियर है। मंत्री जी तो दबंगे आदमी रखने करते हैं, वोट वोट लुटवाना चाहते हैं। मंत्री जी ने क्या किया? कोई एक्शन नहीं लिया। बाबूलाल जी के ट्वीट पर यह मामला जब मेरे संज्ञान में आया, मैं यहाँ पर अशोक जी के यहाँ आया, उस बेटी ललिता को भी मैं बुलाया। उन्होंने रो 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 करके एक एक बात का उन्होंने काफी स्पष्ट तरीका से बताने का काम किया कि भाई जबरदस्ती इनको लेकर के रंका अपने घर में रखता था। कोई दूसरा आदमी आता था तो बोलता है कि मेरे यहाँ दाई का काम करती है, बासन धोने वाली है, जबकि वह महिला बीए है, ग्रेजुएट है। वह महिला ग्रेजुएट है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का काम करती है। और 2023 में उसे कहा इजहार अंसारी कि जाओ, मैं तुम्हें फ्री कर दिया। फ्री कर दिया मतलब कैद से बुलबुल को आजाद कर दिया। इसके बाद जब भी शादी किया, उस लड़का को भी धमकाया कि तुम यहां शादी नहीं कर सकते इस बच्ची से, और उस लड़का को धमकाया कि तुम इसको रखोगे मैं तेरा हत्या कर दूंगा। वो लड़का भी इसको छोड़ दिया। ये बेचारे बहुत थाना पुलिस में गए, थाना पुलिस में दौड़े, बहुत न्याय के लिए गुहार लगाए, पर इन्हें कहीं से कोई न्याय नहीं मिला। अभी आपके सामने ही मैं एसपी साहब से बात किया, एसपी साहब से कहा कि एसपी साहब, एक आदिवासी महिला का 20 वर्षों तक यौन शोषण होता रहा और वह महिला आपके यहाँ भी एक महीना पहले गुहार लगाने गई थी। आपने कहा कि मैं थानेदार को बोलता हूँ, थाना वाला जाकर के वहां इंक्वायरी करेगा। आपने भी सुना एसपी साहब को जो मैं कहा, एसपी ने क्या कहा? एसपी कहा कि थाना पुलिस इंक्वायरी किया, ऐसा कोई मामला नहीं पाया गया। लेकिन मैं उन्हें चुनौती दिया हूं एसपी को कि आप भेजिए यहां पर थाना और डीएसपी को। आज तक कभी भी इनके घर में जांच करने के लिए कोई थाना पुलिस प्रशासन नहीं आया। क्यों नहीं आया? मंत्री जी का धाक है भाई, मंत्री जी का दबंगता है। गरीब गुरबा के शोषण पहले जैसे राजा लोग करते थे और अंग्रेज लोग करते हैं, जैसे रंका गढ़ वाले गरीब का शोषण करते हैं, वैसे मिथिलेश ठाकुर भी करते हैं और करवाते हैं। और उनके जो लोग हैं माफिया हैं, अपराधी हैं, बालू के कारोबार करते हैं, चोरी करते हैं, इलीगल पैसा जनरेट करते हैं, इलीगल पैसा जनरेट करके गरीब के बेटी बहन की असमत के साथ खिलवाड़ करते हैं। आज देखिए, यह जो विषय है मुख्य रूप से बाबूलाल जी के ट्वीट पर मैं ये जानकारी मिली और आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने मुझे अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके यहाँ भेजा है। मैं उसी निमित्त आया, चूंकि मुझे भी ये जानकारी नहीं था। बहुत सारा चीज अंदर अंदर रहता है, बाहर प्रकाश में आता नहीं है। अगर मेरे संज्ञान में आ जाता, मैं 10 साल विधायक रहा, मैं एक इजहार नहीं 100 इजहार को मैं फांसी लटका सकता हूं। कोई भी गरीब गुरबा आदिवासी या नन आदिवासी किसी बेटी महिला के अस्मत से खिलवाड़ करेगा, ये सत्येंद्र तिवारी उनको
बलुआ से मारेगा। आज मुझे इस बात का अफसोस है कि मुझे बहुत खेद है कि मुझे जानकारी मिली बस बहुत विलंब से मिली। मैं आज इन्हें भरोसा दिया हूं, बाबूलाल मरांडी जी का मुझे आश्वासन है, भरोसा उन्होंने दिया है कि आप जाइए उन आदिवासी परिवार के यहाँ, उन्हें हर हाल में न्याय दिलाइए। और मैं आपको भी पत्रकार बंधु को कहता हूं, मैं उन्हें न्याय दिलाऊंगा। एसपी साहब ने कहा है कि मैं थाना और डीएसपी को भेजता हूं और जो भी सच्चाई है उसका जांच करके जो भी कानूनी कार्रवाई होगा मैं उस पर करूंगा। लेकिन मुझे पता है पुलिस प्रशासन आज कितना पंगु है। आप बताइए, वही जहर अंसारी है जिसने कुछ दिनों पहले कलेक्टर को गाली दिया, डीसी को गाली दिया, वीडियो को गाली दिया और केस हुआ, मुकदमा हुआ, जेल गया, जेल भी गया। लेकिन क्या करिएगा, भैया जी का आदमी है। धारा में संशोधन कर दिया गया, धारा को कमजोर कर दिया गया और इसको बेल मिल गया, फिर आजाद घूम रहा है। एक ललिता का जीवन बर्बाद किया है कि ऐसे कई ललिता का जीवन बर्बाद किया होगा, या इसका कोई आंकड़ा नहीं है, कोई गिनती नहीं है। लेकिन मैं जरूर विश्वास दिलाता हूं कि ललिता देवी के साथ 100% मैं न्याय दिलाऊंगा। और आज की घटना से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंत्री जी का इसमें क्या संलिप्तता है। मंत्री जी का राइट हैंड कहा जाता है नितेश सिंह, उसका नाम है, बरवाडी का मुखिया पति है, वो भी एक क्रिमिनल है, दबंग है, हर्ष फायरिंग किया था, लोगों के बीच गोलीबारी करके दहशत फैलाना चाहता है। मैंने उन दिनों भी एसपी को कहा था कि भाई नितेश सिंह ने एक कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग किया, उसका हथियार लूट लो, उसका हथियार कर लाइसेंस रद्द करो। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, लिपापोती हो गया। वही नितेश सिंह जिस ललिता देवी पीड़िता के साथ 20 साल तक यह कुकर्म होता रहा, उसके भाई को कल फोन किया, कहा कि आप यहां बरवाडी कुछ बात करना है। अरे बात क्या करना है जी, बात करना है, मैनेज करना है। क्या मैनेज करेगा, अगर अन्यथा जी के बेटी बहन के साथ अगर ये घटना घटा रहता तो क्या मैनेज करते। और अफसोस और आश्चर्यजनक बात कि जेएमएम किस मुंह से कहता है कि हम भी आदिवासी के हिमायती हैं। आज ये जेएमएम को प्रतिबिंबित यहां का कौन है, मिथिलेश ठाकुर करता है, प्रतिनिधित्व करता है, उसे तो कम से कम आदिवासी गांव में जाने का हक नहीं है, उसे तो दौड़ा दौड़ा के रेट के मारना चाहिए, बसेठा तो मर दे। एक आदिवासी को न्याय दिलाने के बदले उसके भाई के यहां फोन करता है कि तुम आप कंप्रोमाइज करो, क्या है यार। लेकिन ये मामला हम लोगों के संज्ञान में आया है, राज्य सरकार चाह करके भी ये मामला को दबा नहीं पाएगा। आपको मैं भरोसा दिलाता हूं, जरूरत पड़ा तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय तक यह मैटर जाएगा, जरूरत पड़ा यह मामला लोकसभा के पटल पर खनकेगा। लेकिन इस पीड़िता को हर हाल में न्याय दिलाऊंगा, एसआईटी गठन कराऊंगा मैं केंद्र का, लेकिन इनको न्याय दिलाऊंगा। एक आदिवासी के साथ जो कुकर्म हुआ है इसे मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए यह कम है। धन्यवाद।